यदि कृति दीदी नहीं आएगी तो मेरी शादी आज हो ही जाएगी। कितने मुश्किल से मैं चुपकर उन्हें सारी बात बताई और दीदी ने भी मुझे भरोसा दिया कि मैं जरूर आऊँगी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। इस उम्र में यदि मेरी शादी हो जाएगी तो मेरा जीवन ही नरक बन जाएगा। गुड़िया ऐसे मुंह लटका कर ना बैठा कर, बारात वाले आते ही होंगे, लोग तुम्हें देखेंगे, ऐसा हुलिया मत बना। माँ कम से कम तू तो मेरी समस्या को समझ, अभी मैं सिर्फ 12 वर्ष की हूँ। तो क्या हुआ, तुम्हारे पिताजी ने भी मुझे इसी उम्र में लाए थे, तो क्या हो गया? तब का बात कुछ और था माँ। लड़कियों का वक्त ना कभी बदला है ना ही कभी बदलेगी। पर माँ मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, पढ़ लिख कर एक अच्छा नागरिक बनना चाहती हूँ और देश की सेवा करना चाहती हूँ। तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना होगा। पति का दिल का रास्ता सीधे माँ के पेट से निकलता है। थोड़ा सा 2-4 क्लास पढ़ ले, यदि रसोई का गणित पढ़ ले, यही तुम्हारे लिए काफी है। क्योंकि शादी के बाद जब तुम ससुराल जाओगी तो वहाँ खाना बनाना और घर का काम करना, यही तुम्हारा काम होगा। क्या लड़की पढ़कर एक अच्छा नागरिक नहीं बन सकती? हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अभी तक लड़कियों ने पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में भागीदारी प्रस्तुत की है, जैसे सरोजिनी नायडू, कल्पना चावला, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बचेंद्री पाल इत्यादि ने क्या देश का नाम ऊंचा नहीं किया है? तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना होगा क्योंकि तुम गांव से हो। मैंने तुम्हारी शादी जिसके साथ लगाई है, तुम्हें शादी करनी है। लेकिन लड़का तो मुझसे 12 वर्ष का बड़ा है। तो क्या हुआ, घर तजुर्बे से चलता है, औरतों के बकबक से नहीं। वो नशा करता है, वो दारू पीता है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। ए लड़की, ज्यादा बकबक मत कर, चल तैयार हो जाओ, अब बारात आ जाएगी। राम समधी। राम राम। श्याम सिंह, अब अपनी बेटी को विवाह मंडप पर ले चलिए। हाँ समधी जी, मैं अपनी गुड़िया बिटिया को विवाह मंडप में ले चलती हूँ। श्याम सिंह, ये तुम्हारी बेटी क्या बोल रही है? इतना जिद्दी मत कीजिए संदीप जी, नादान बेटी है, मैं अभी से विवाह मंडप में ले जाता हूँ। रुक जाओ दीदी। तुम घबराओ नहीं, तुम्हें कोई शादी कराकर नहीं ले जा सकता। आप इन्हें जबरदस्ती शादी कराकर नहीं ले जा सकते। गुड़िया अभी 12 वर्ष की है और यह अभी नाबालिग है।